साक्षी महाराज तो व्याधित बयान देते हैं, उन वो पगला गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा के सांसद साक्षी महाराज जो अक्सर विवादित बयान देते हैं, फिर से एक बयान दिए हैं। इस बार ओवैसी को लेकर बयान दिए कि उन्हें खुदा भगवान ताकत दे, जिस तरह से उन्होंने बिहार में हमारी मदद की उस तरह से उत्तर प्रदेश और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हमारी मदद करें, कर पाएँ। इस तरह से बयान जब उनका आया है तो हम बंगाल में ही हैं, कलकत्ता में हैं, कलकत्ता में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, इनका क्या कहना है साक्षी महाराज के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि ओवैसी को हिम्मत दे, ताकत दे, जिस तरह से बिहार में उन्होंने हमारी मदद की उस तरह से बंगाल और उत्तर प्रदेश में हमारी मदद करें। क्योंकि कुछ दिन पहले ओवैसी साहब बंगाल आए थे और उत्तर प्रदेश गए, उसी के बाद साक्षी महाराज का इस तरह से बयान आया। पहले नाम आपका क्या हुआ? मोहम्मद शाहजहाँ खान। शाहजहाँ खान साहब, क्या सोचते हैं साक्षी महाराज के इस बयान पर? ओवैसी साहब को बोले कि बीजेपी की बी टीम में है, खुल के नहीं बोले, मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बीजेपी को मदद कर रहे हैं ओवैसी साहब, और ये मदद वो बिहार में किए हैं, उत्तर प्रदेश में भी करें, इसके लिए उनको भगवान ताकत दे, हिम्मत दे, बंगाल में भी मदद करें बीजेपी। देखिए, बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, झूठ और सच इनका अहम हथियार है। नहीं, हम साक्षी महाराज के बयान के बारे में बोल रहे हैं। साक्षी महाराज तो व्याधित बयान देते हैं, उन वो पगला गए हैं। वो पगला गए हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, हर तरफ से जमीन खिसक रहा है। किसान आंदोलन जो हो रही है वो इन लोगों का बत्ती को बुता दिया है। बत्ती बुझ गई है, अब ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम इसराउल हक खान है। खान साहब, ये बताइए कि साक्षी महाराज बोले हैं ओवैसी साहब के बारे में, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी को मदद करते हैं, आप क्या? देखिए, वो बी टीम कहें या ओवैसी साहब बीजेपी को ए टीम कहें या बी टीम को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है? मगर ये जरूरी है कि ये कहीं ना कहीं उनका मदद करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए कि बिहार में जो हर सीट पर खड़ा किए तो कुछ नुकसान हुआ। हर सीट पर नहीं खड़ा किए, मोटा मोटी जो मुस्लिम बहुमेला इलाका है, मगर पश्चिम बंगाल और बिहार में दोनों में अंतर है, फर्क है। हाँ। यहाँ के लोग सूझबूझ रखते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं कि चाहे वो साक्षी महाराज आए या ओवैसी साहब आए या दोनों साथ मिलके चलें, मगर यहाँ के आवाम जानता है कि हमको किसको वोट देना है और पश्चिम बंगाल में कौन उन्नयन किया है, कौन तरक्की कर रहा, कौन काम कर रहा है, उसके साथ रहेगा। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करता है, यहाँ का ममता बनर्जी ने यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो यहाँ के लोग जान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चाहे सिख ईसाई जो भी हो, सभी धर्म का सम्मान है, सभी धर्म के लिए काम है। आप देख रहे हैं गंगा सागर का तीर्थ यात्रा का वक्त है, यहाँ पर ममता बनर्जी ने कितना सहूलत दे के रखा है तीर्थयात्रियों को, चाहे मुस्लिम का त्यौहार आता उनके लिए, क्रिश्चियन का त्यौहार आता उनके लिए, तो सभी धर्म को जो लेकर चल रहा पश्चिम बंगाल को उन्नयन कर रहा, यहाँ सब लोगों को 5 लाख का हेल्थ बीमा हो रहा, तो आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज तो बोले हैं कि एक तरह से आप बी टीम है, मान के चलिए, तो आप मानते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के लिए काम? देखिए, ओवैसी साहब कहीं ना कहीं तो बीजेपी के लिए काम करते ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, मगर ओवैसी साहब का बंगाल में काम नहीं चलेगा। हाँ, वो जो खेला बिहार में खेल रहे हैं, चाहे यूपी में तो खेल रहे हैं, ओवैसी साहब का भी तो यूपी का जमीन में भी तो खेलेंगे ओवैसी साहब, तो टाइम में बोलेंगे देखिए साक्षी महाराज क्या बोलते हैं कि हमारा बी टीम है कि ए टीम है। बहुत जब आदमी दूसरे के लिए कहीं गड्ढा खोदता है तो गड्ढा में खुद भी गिरता है। हाँ। तो अगर वो बी टीम बना के खेल रहे हैं तो ओवैसी साहब यूपी में भी खेलेंगे। हाँ। वो टाइम साक्षी महाराज से पूछा जाएगा कि ये बी टीम है कि ए टीम है, वो टाइम साक्षी महाराज इसका जवाब देंगे कि हमारा ओवैसी साहब बी टीम है, तब तो हम मानेंगे हम कि उनका बी टीम है, क्योंकि यूपी का जमीन पर ओवैसी साहब तैयारी कर रहे हैं। हाँ। 10-9 पार्टी, छोटे छोटे पार्टियों को लेकर नौ पार्टियों को लेकर अपना कर रहे हैं, तो उस टाइम साक्षी महाराज बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब हमारा बी टीम है कि हमारा ए टीम है। तो बिहार में जब चुनाव लड़े थे तो मायावती के साथ मिलकर लड़े, ठीक है, बिहार का इलेक्शन से यूपी का इलेक्शन से बंगाल का इलेक्शन फर्क है। आप भी कुछ राय रखेंगे? यहाँ के लोग जान रहे हैं कि कुछ लोग आएंगे यहाँ पर वोट को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ बंगाली भाषा भाषी जुबान ज़्यादातर मुसलमानों का है, यहाँ उर्दू स्पीकिंग नहीं है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो यहाँ के लोग सूझबूझ रखते हैं कि हमको क्या करना है, और इसी साहब का जादू बंगाल में नहीं चलेगा। चलिए, तो खान साहब बोले, आप भी बोले, इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बंगाल में हम हैं और इस तरह से लगातार बंगाल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहे हैं जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब वाले को तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और पेज को फॉलो करना ना भूलिए अगर नहीं किए अभी तक। तो चलते हैं, जय भीम जय भारत।